चोरी, डकैती, लूटमार, फिरौती, हत्या, अपहरण, महिला उत्पीड़न, गुंडा टैक्स, सरेआम गुंडागर्दी, जमीनों पर जबरन अवैध कब्जे तथा सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि की घटनाएं काफी ज्यादा चरम सीमा पर ही होती रही है। और यही मुख्य कारण है कि सरकार के चलते यहाँ प्रदेश में मुजफ्फरनगर सहित लगभग 500 और भी छोटे बड़े सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि की वारदातें हुई। दादरी की अति दर्दनाक घटना घटी। मथुरा में जमीन अवैध कब्जे को लेकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें एक पुलिस अधिकारी की जान तक भी चली गई। बुलंदशहर का अति शर्मनाक बलात्कार कांड हुआ। इस प्रकार से सपा सरकार में यहाँ हर तरफ असुरक्षा व आतंक का माहौल यहाँ वीरा है। इसके साथ ही विकास के कार्य भी अधिकांश यहाँ आधे अधूरे ही किए जाते रहे हैं, जिनके प्रचार प्रसार पर प्रदेश की जनता का सरकारी करोड़ों अरबों रुपया अकेले यहाँ मीडिया में ही काफी बेदर्दी से खर्च कर दिया गया है। जबकि इसी अपार धन को यहाँ गरीबों के हित व कल्याण के कार्यों पर भी खर्च किया जा सकता था। इसके अलावा सपा सरकार में विकास व जनहित के जो भी थोड़े बहुत कार्य किए गए हैं, तो उनमें से अधिकांश बड़े बड़े कार्यों की शुरुआत बीएसपी की सरकार में ही कर दी गई थी। और इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी की अनेकों जनहित की योजनाओं को तो वर्तमान सपा सरकार ने बहुत चलाकी से केवल उनका नाम बदल कर ही चलाया हुआ है, जिससे इनकी समाजवादी पेंशन योजना जिसमें इनकी समाजवादी पेंशन योजना खास है, जिसका पहले मूल नाम महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना था। इसके साथ ही इस सपा सरकार में प्रदेश के अधिकांश सभी वर्गों व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों की भी हालत यहाँ हर स्तर पर काफी ज्यादा खराब व दयनीय ही बनी रही है। जबकि सरकारी अधिकारी तो यहाँ थोक के भाव में ही बदलते रहे हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर वर्तमान सपा सरकार का लगभग पूरा कार्यकाल हर स्तर पर व हर मामले में अति निराशाजनक व अति कष्टदायक ही बना रहा है। और इसके लिए हमारी पार्टी सपा के साथ साथ केंद्र में रही पूर्व की कांग्रेसी व वर्तमान भाजपा सरकार को भी बराबर का जिम्मेवार व कसूरवार भी मानकर चलती है, जिन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ में यहाँ अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी को बराबर नहीं निभाया है। इसलिए अब बीजेपी व प्रधानमंत्री को भी यहाँ प्रदेश में सपा के चल रहे गुंडा व जंगल राज पर कुछ भी बोलने का नैतिक अधिकार नहीं रहा है। और अब सपा के साथ साथ इन दोनों पार्टियों को भी इस चुनाव में इसका जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि इस चुनाव में सपा के बारे में यह बात भी सर्वविदित है कि सपा नेता श्री मुलायम सिंह यादव ने भी अपने पुत्र मोह की वजह से जिस प्रकार से कदम कदम पर अपने भाई शिवपाल यादव को जनता के सामने अपमानित किया है, तो इसका अब शिवपाल यादव व उनके खेमे के लोग इस चुनाव में अंदर अंदर अखिलेश व इनके खेमे के लोगों को जरूर नुकसान पहुंचाएंगे। और इससे ये स्वाभाविक ही है कि अब सपा के ये दोनों खेमे इस चुनाव में अंदर अंदर एक दूसरे के खेमे के उम्मीदवारों को हराने की ही पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और फिर इनका अपना बेस वोट भी दो खेमों में बचकर ही रह जाएगा। और यदि ऐसे हालातों में खासकर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज के लोग अपना जो भी वोट सपा के उम्मीदवारों को देते हैं, तो फिर उनका ये वोट पूरी तरह से
ना केवल बेकार ही चला जाएगा बल्कि इसका सीधा फायदा यहाँ बीजेपी को ही पहुंच सकता है।